छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो और सुबह का नाश्ता, सैंडविच बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच, जिसके लिए हमें किसी भी सैंडविच मेकर, टोस्टर या ग्रिल मेकर की जरूरत ही नहीं। और मेन बात यह है फ्रेंड्स, इसको कोई भी बना सकता है, पीजी, हॉस्टलर्स या इवन घर पे जेंट्स भी। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपके जो सैंडविच हैं बिल्कुल भी क्रिस्पी और बढ़िया नहीं बनेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका, राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। तो फटाफट से बनाते हैं चटपटे आलू के सैंडविच, बहुत आसान है फ्रेंड्स। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हो या फिर देसी घी भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ राई, आप चाहें तो बारीक वाली भी डाल सकते हो। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली, ये भी आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। हल्का सा हम सॉटे करेंगे। ओहो, घर में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, उबले हुए आलू पड़े होते हैं और हमें समझ में नहीं आता क्या करें, और रोज वही परांठे और आलू की सब्जी खा के हम बोर हो जाते हैं। तो आज हम बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनाएंगे। थोड़ा से मैं डालूंगी करी के पत्ते, करी लीव्स, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी मैंने 7 से 8 डाले हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो डाल भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही मैं डालूंगी इसमें प्याज चॉप किया हुआ बारीक करा, इसको हल्का सा हम क्रंची ही रहने देंगे, बहुत ज्यादा सॉटे नहीं करेंगे ताकि सैंडविच में टेस्ट आए। कई लोग बहुत ज्यादा इसको, मतलब जैसे हम सब्जी में पकाते हैं वैसे पका देते हैं, हमने वैसे नहीं पकाना ताकि सैंडविच में मजा आए खाकर। आप आगे जाके देखोगे फ्रेंड्स, कुछ चीजें मैं ऐसी डालूंगी ना, ओहो हो, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कैफेटेरिया जाना बंद कर दोगे, इतने बढ़िया आलू के सैंडविच बनते हैं। प्याज जैसे ही फ्रेंड्स हल्के से सॉटे करे, मैं इसमें डाल दूंगी सारे मसाले, बहुत आसान है, जो भी हमारी नमकदानी में होते हैं सारे वो डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, वो भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, ये देखिए अराउंड 1.5 टीस्पून, इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए हमारे आलू, ये देखिए ये मैंने 4 उबले हुए आलू लिए थे फ्रेंड्स, इस तरह से छोटा छोटा काट लिया। ठीक है, आलू को कैसे फटाफट से उबालना है मैंने ऑलरेडी पहले ही सिखा रखा है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी फ्रेंड्स, आप देख लेना, बहुत आसान है, मतलब कुकर में उबालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको मैश करेंगे इस तरह से स्पैचुला से, बहुत ज्यादा मतलब मैश ही नहीं करना, हल्का सा। आलू फ्रेंड्स हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, ये देखिए हमने बहुत ज्यादा मैश नहीं करने, बस इसी तरह करने हैं, ये देखिए कहीं कहीं थोड़े थोड़े बड़े पीसेस ताकि वो मुंह में आए बहुत अच्छे लगे। ठीक है, अब इसी बीच फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाने के लिए थोड़े से इसमें मैं मटर डाल देती हूँ। ठीक है, ये मेरे सेमी बॉइल्ड मटर है, मतलब हल्का सा गर्म पानी में मैंने निकाल दिए थे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, और थोड़ा सा फ्लेवर और टैंगी देने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसे, 1 टीस्पून लेमन का जूस, इसको फटाफट से मिक्स करते हैं और रेडी हो गया हमारा सैंडविच का मसाला। आप चाहें तो हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है, मैंने इसमें नींबू डाला है, लेकिन अगर आप बहुत चटपटा खाते हो तो 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल सकते हो। तो इसी टाइम हम इसको कर देंगे गैस को बंद और इसको ठंडा होने देंगे। आलू का मिक्सचर फ्रेंड्स हमारा ठंडा हो गया, तो अब देखते हैं इसको कैसे असेंबल करना है। ठीक है, मैंने इस तरह से ये व्हाइट ब्रेड लिए, आप कोई भी ले सकते हो, ब्राउन ले सकते हो, मल्टीग्रेन ले सकते हो, दिस इज अप टू यू। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने ये जो आलू का मसाला है एक ब्रेड पे हम इस तरह से इसको स्प्रेड करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत आसान है, ये तो आप किसी बच्चे को भी दोगे ना तो वो भी लगा लेगा। इवन घर पे क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ही मतलब वाइफ्स जो है हम लोग कहीं के चले जाते हैं, तो जेंट्स के लिए बहुत इजी है, इवन हॉस्टल्स के लिए या जो पीजीज होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, और इतना चटपटा लगता है ना इसके आगे, तो जिसे कहते हैं ना पिज्जा भी फेल है। अब जैसे एक ब्रेड पे हमने आलू का इस तरह से मिक्सचर लगा लिया, तो दूसरी स्लाइस पे हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए अब दूसरे पीस पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये टमाटो केचप है, ये हम हल्की सी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं लगानी अदरवाइज सॉगी हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें पिज्जा पास्ता सॉस भी लगा सकते हो, दिस इज अप टू यू। ठीक है, अब इसको कर देते हैं साइड पे। अब फ्रेंड्स इसमें हम एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे आलू का भुजिया,
आप कोई भी नॉर्मल भुजिया ले सकते हो आपके मनपसंद का। अब इसको स्प्रेड करेंगे आलू के मिक्सचर के ऊपर। ये रहा, इसको कर देते हैं साइड पे और ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा हम स्प्रेड कर देते हैं ऐसे। ये देखिए कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा सा और डाल देते हैं ठीक है। और ये जो सॉस वाला पीस था ये हम इसके ऊपर रख देते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे सैंडविचेस को रेडी कर लेते हैं। तो फटाफट से बनाते हैं अपने सैंडविच। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक फ्लैट फ्राई पैन लिया है, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हो ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा येलो बटर, आप चाहें तो देसी घी या फिर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। जैसे ही बटर हल्का सा पिघले हमने ये जो सैंडविच रेडी किया था ये हम रख देंगे। और इसको पकाना फ्रेंड्स सिम गैस पे, नो डाउट थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा और लेकिन जो क्रिस्पीनेस और जो टेस्ट आएगा ना ओहो मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी जो ऊपर वाली लेयर है फ्रेंड्स उसपे भी हम हल्का सा इस तरह से नाइफ से बटर लगा देंगे। बटर से होगा क्या, एक तो क्रिस्पीनेस बहुत आएगी और मोर ओवर खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा, ड्राई नहीं लगेगा। कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको फ्लिप करते हैं फ्रेंड्स बहुत ध्यान से इस तरह से, कोई भी पलटा लेके ये देखिए ओहो कितना बढ़िया टेक्सचर आया। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सिम गैस पे अपने सारे आलू के सैंडविच बना लेंगे। फ्लिप करके देखते हैं, आई होप नीचे से भी हमारा सैंडविच जो है हो गया होगा। ओहो कम ज्यादा फ्रेंड्स क्रिस्पीनेस हम अपने हिसाब से कर सकते हो, ये देखो कितना बढ़िया टेक्सचर आया। टेंटेड फाइनली हमारा आलू का सैंडविच रेडी है, ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया। इसको मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसको चाहे आप इमली की चटनी के साथ खाइए, चाहे तो टोमेटो सॉस के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, और शाम को टी स्नैक्स में खाइए या मॉर्निंग में खाइए। ओहो ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग आई है हमारी। ओहो और मोर ओवर हेल्दी कितना है, सी कितनी बढ़िया स्टफिंग हुई है और अंदर से इतना चटपटापन लगेगा ना फ्रेंड्स, बिलीव मी ये मेरी रेसिपी को घर पे ट्राई जरूर करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।